डेजर्ट में कमल का फूल कैसे खिला है? आरव, ये विचित्र लोग हैं। यहाँ पे कोई भी चीज नॉर्मल नहीं दिखाई देगी। चल। मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्योंकि तुम जूनियर बालवीर हो ना, दैट्स व्हाई। प्लीज मुझे जूनियर मत बोलो। बालपरी, मैं विचित्र लोक के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? विवान, विचित्र लोक के अंदर जाने से पहले तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन कैसे? अपने आसपास देखो, आसपास तुम्हें कहीं एक खाली शीशी नजर आएगी। देखो, विवान, अब इस शीशी से कहो कि तुम अपनी सारी शक्तियां छोड़ने के लिए तैयार हो। मैं अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन विवान, ध्यान रखना, इस शीशी को बहुत ही संभाल कर रखना अपने पास। ये विचित्र लोक में बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये शीशी टूट गई तो क्या होगा? तो फिर दोबारा कभी विवान विचित्र लोक के अंदर नहीं जा पाएगा। अब चिंता मत कीजिए बालपरी, मैं जूने के ऊपर, मेरा मतलब विवान के ऊपर नजर रखूंगी। संभाल कर रहना विवान। क्रिसमस ट्री तो इतना छोटा है कि ये तो अगले साल के क्रिसमस तक बड़ा हो पाएगा। अरे, इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। मुझे छोटी और नॉन स्कैरी चीजें पसंद है। रुको आए। विचित्र लोक है, यहाँ पे कोई भी चीज नॉर्मल नहीं दिखेगी। अब हमें यहाँ संभल कर रहना होगा। नहीं, ये पेड़ तो बहुत गुस्सा हो गया है। लगता है हमारे हाथ इस पेड़ से चिपक गए हैं और हम सीधा उस माउंटेन के मुंह की तरफ जा रहे हैं। क्या? तो सेंटा क्लॉज, ये है मेरे और विवान का घर। ओहो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। सेंटा क्लॉज, अब क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ? बोलो माय चाइल्ड। आप अपनी हंसी पर जो बहुत ही प्यारी है उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, वरना कोई भी आपको पहचान सकता है कि आप ही सेंटा क्लॉज है। ओहो, यू आर राइट। और अगर रिको पता चल गया कि आप यहाँ पर है तो हो सकता है कि वो भारत नगर पर भी हमला करते। बिल्कुल नहीं। अरे देवू, अम्मा, ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड के चाचा जी हैं, मिस्टर सेंटा सिंह, मिस्टर सेंटा सिंह। सेंटा सिंह, बल्ले 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 बल्ले। हेलो मिस्टर सिंह, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या जूस? आइसक्रीम।
इस समय? जी मैं लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब में आइसक्रीम ही खाता हूँ, बिकॉज आई लव आइसक्रीम। बल्ले बल्ले। माँ वो इन्हें वो खुश रहने का शौक है, हमेशा हंसते रहते हैं। अच्छा ओ मतलब सिद्धू जी टाइप्स हैं? हाँ। आइसक्रीम को मिलेगी? मिलेगी ना, मैं लेकर आती हूँ, आप बैठिए। देबू बैठा। हाँ, हाँ, आई आई। बल्ले बल्ले। अरे बेहोश मत हो, अगर हाथ छूट गया तो गिर जाओगे। अरे उठो, अरे बेहोश मत हो, उठो, अरे उठो। इतना डेंजरस स्टंट तो मैंने कभी नहीं देखा। बालपरी पता नहीं क्यों ये क्रिसमस ट्री एंग्री बर्ड बन चुका है। तुम लोगों ने कहीं बिना आज्ञा लिए पेड़ को छुआ तो नहीं? जरूर तुम लोगों ने कोई गलती की होगी। अब सबसे पहले तुम्हें पेड़ से माफी मांगनी होगी, तभी तुम वहां से छूट पाओगे। सॉरी क्रिसमस ट्री। सॉरी क्रिसमस ट्री, सॉरी। नीचे उतरने के लिए तुम्हें मेरी तीन पहेलियों का जवाब देना पड़ेगा। अगर एक भी पहेली का उत्तर गलत हुआ तो हम बच नहीं पाएंगे। गॉट इट। लेकिन आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, क्योंकि वो माउंटेन बहुत पास आ रहा है। ठीक है, तो बताओ वो कौन सी चीज है जो गोल है पर गेंद नहीं, उसकी पूंछ है पर वो पशु नहीं, दुम उसकी खींचते हैं बच्चे पर उसके निकलते आंसू नहीं। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। अरे वेट 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 आरोही, थोड़ा सोच समझ कर आंसर दो। मैं सोच के ही बोल रही हूँ। बलून यानी कि गुब्बारे। सही जवाब है ये। अब तुम जवाब दो बच्चे कि वो कौन सी चीज है जो धन दौलत से भी है ऊपर, उसके सामने हीरे भी जैसे पत्थर, उसको पाकर जीवन हो जाता है बेहतर। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो धन दौलत और डायमंड से भी बेटर हो? यस, मुझे इसका आंसर पता है। इसका आंसर है नॉलेज यानी कि विद्या। सही जवाब है ये। अब तीसरी पहेली। ये लड़का सो क्यों रहा है? अरे सो नहीं रहा, ये नर्वसनेस की वजह से बेहोश हो रहा है। उठो आरव, उठो। कम ऑन आरव, उठो ना। क्या आरव के बदले मैं जवाब दे सकता हूँ अगली पहेली का? नहीं, तुम तीनों को अपनी अपनी पहेली का जवाब खुद देना होगा। अच्छा तो फिर आरव, आरव उठो। आरव वे कब आरव? अरे आरव उठो, उठो जल्दी उठो आरव। One more. हाँ लाती हूँ। One more. लाती हूँ। One more. एक आइसक्रीम और मिलेगी क्या? घर की सारी आइसक्रीम खत्म हो गई है देवू। मिस्टर सिंह। हु सिंह?
बल्ले 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 बल्ले। आप एक काम कीजिए, आप घर पर आराम कीजिए और आप घर से बाहर मत जाइएगा। मैं इनके लिए आइसक्रीम ले आता हूँ छिड़ा जी की दुकान से। ओके भाई चाइल्ड कंपास। वन मोर। कम ऑन आरिफ, गेट अप आरिफ, गेट अप। धागे के ऊपर धागा, धागे पर पैसा, बिना मिट्टी के घर बनाए वो कारीगर कैसा। बताओ मेरी पहेली का जवाब। अरे उठो और जवाब दो। अरे लेकिन मैंने पहेली सुनी ही नहीं। जल्दी जवाब दो वरना पहाड़ के मुंह में समा जाओगे तुम सब। मुझे आंसर पता है लेकिन जवाब आरव को देना है। आरव के मुंह से जवाब कैसे निकलवाऊं? मकड़ी मकड़ी। सही जवाब, क्योंकि मकड़ी ही बिना मिट्टी और पानी के धागे के ऊपर धागा जोड़कर अपना घर बनाती है। बच गए। लगता है इस बार हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। मिस्टर सिंह, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मुझे गर्मी बहुत लग रही थी ना, इसलिए मैं इस विंडो के पास गया। बड़ी ठंडी हवा आ रही है जी। मिस्टर सिंह वो खिड़की नहीं है, वो फ्रीजर है। और आपको इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वो मैं नॉर्थ पोल से आया ना। बले बले। आप सच में बहुत फनी है मिस्टर सिंह। गुड जोक। अच्छा जब तक देबू आइसक्रीम लेकर आता है तब तक मैं हॉल के एसी ऑन कर देती हूँ, आप रेस्ट कीजिए और ये खिड़की बंद कर दीजिएगा। बले बले। बहुत अच्छे। वैसे तो बालवीर ने मुझे घर पर रहने को कहा है, पर मैं इस वर्ल्ड में बच्चों को उदास कैसे रहने दे सकता हूं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लेकिन सेंटा और विवान है कहाँ? समय से पहले मैंने तारीफ कर दी, आपका पटाखा आखिर कुछ ही निकला। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई और रास्ता हो सेंटा क्लॉज की शक्तियां वापस लाने का? कहाँ है सेंटा क्लॉज? मैं बताता हूँ। गुड़ का पता लगाने के लिए चींटी कहाँ ये पता लगाना चाहिए। बालवीर कहाँ?
इंप्रेसिव बालवीर से। किसी भी चीज को अगर छुपाना हो तो सबसे अच्छी जगह होती है आप ठीक आंखों के सामने। हाइडिंग इन प्लेन। चलो हमें भारतनगर चलना होगा। क्यों? मतलब क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में रात के 12 बजने वाले हैं और तब तक अगर सेंटा को हमने अपने कब्जे में रखा तो फिर बालवीर चाहे जितनी कोशिश कर ले सेंटा की पावर्स वापस नहीं आएंगी। एकदम सही। रात 12 बजे के बाद उत्तरी ध्रुव और सेंटा क्लॉज दोनों तबाह। वाह। हे पिदी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो तुम्हारा क्रिसमस ट्री तो जल गया, तुम्हारी स्टॉकिंग भी जल गई। अब एक काम करो, तुम्हारी ये जो होप है ना कि जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल, उसको भी जला दो, क्योंकि इस साल मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा क्रिसमस मनने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सांता क्लॉज जरूर आएंगे। इस बार कोई सांता वेंटा नहीं आने वाला, कोई क्रिसमस नहीं मनने वाला, समझा? किसने धक्का मारा मुझे? मोंटू भैया, आपको किसी ने नहीं मारा, ये तो आपका भ्रम है, भ्रम। चुप। हे रिंकू, तू ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बन मत। मैं तू तो मुझे लगता है बालवीर जी ये सब कर रहे, भाग जाता हूँ। हेलो बच्चों। हेलो अंकल। हेलो अंकल, आप ही बताइए ना सांता क्लॉज कब आएंगे? बच्चों मुझे भी उन्हीं का इंतजार है। रियली? हाँ बच्चों, मुझे लगता है सांता को आने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि उनकी कॉस्ट्यूम ड्राई क्लीन होकर नहीं आई है। या फिर वो अपनी दाढ़ी को शैम्पू कर रहे हैं। तुम लोग वरी मत करो चिल्ड्रन, तुम मेरे साथ चलो, आइसक्रीम खाते हुए सांता का वेट करते हैं। आइसक्रीम? अंकल आइसक्रीम तो मेरा फेवरेट वर्ड है। मेरा भी है। वैसे अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम है सांता सिंह। मैं देवू के घर पे गेस्ट बनकर आया हूँ। ठीक है, वो क्या है ना, मम्मा हमेशा कहती है कि स्ट्रेंजर्स के साथ कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं तो चिल्ड्रंस का अपना हूँ, तुम्हारा अपना। हाँ तो बच्चों चलो मेरे साथ आइसक्रीम खाएंगे। ये, चलो 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 चलो। गुड जॉब। ट्री से छूटे तो टनल में गिर गए, लगता है सारा बैड लक आज ही हो रहा है। So beautiful, हम कौन सी जगह पे हैं? भूल गई यार वही, ये विचित्र लोक है। ज्यादा शो ऑफ मत करो जूनियर, हम सबको पता है कि हम विचित्र लोक में। मुझे घर जाना है। नहीं आरव, हम बिना सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम लिए घर वापस नहीं जा सकते। दुनिया के सारे बच्चों की खुशियों का सवाल है, हम दोनों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो चिन अप एंड चीयर अप। वैसे मेरे कंधों पर भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ तो जिम्मेदारी से बताओ कि आगे क्या करना है। बालपरी से कांटेक्ट करना पड़ेगा।
बालपरी, नॉर्थ पोल में सिचुएशन कैसी है? यहाँ सब स्थिति काबू में है, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? एक्चुअली बालपरी, हम ना एक टनल में गिर गए हैं और यहाँ हमें हर तरफ तारे दिखाई दे रहे हैं, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ। हाँ विवान, रेगिस्तान में तुम्हें जो क्रिसमस का पेड़ मिला था, उस पेड़ के ऊपर एक सुनहरे तारे को तुम्हें सजाना है। इसका मतलब बालपरी, आज मुझे लिटरली आसमान से तारे तोड़कर लाने पड़ेंगे? नहीं विवान, तुम जो आदेश दोगे वो आदेश ये तारे मान जाएंगे। वाह, यूजुअली फैंस अपने स्टार को फॉलो करते हैं, लेकिन आज ये स्टार्स मेरे ऑर्डर फॉलो करेंगे। कूल। लेकिन ध्यान रखना विवान, उन तारों को कोई भी ऐसा आदेश या निर्देश मत देना जो तुम वापस ना ले सको। गॉट इट। अब इन सारे तारों में से जो सबसे चमकीला और सुनहरा तारा है, उस तारे को आदेश देकर तुम्हें उस क्रिसमस के पेड़ पर एक मुकुट की तरह सजाना होगा। ओके, समझ गए बालपरी, थैंक यू। जब ये तारे टूटते हुए गिरते होंगे तो इनका व्यू कितना सुंदर होता होगा। काश हम भी इन टूटते तारों का व्यू एंजॉय कर पाते। ये क्या बोल दिया तुमने आरोही? रन आरोही रन, भागो! चुपो चुपो आरो। ये क्या कर दिया तुमने आरोही? अब ये तारे हम पर टूट कर ही रहेंगे, जबकि हमारा अगला टास्क है उस गोल्डन स्टार को क्रिसमस ट्री के ऊपर डेकोरेट करना।